हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पुष्कर के बारे में कुछ रोचक जानकारी देने के लिए आई हूँ। जिस तरह से हम जानते हैं, पुष्कर में कुल कितने घाट हैं, पुष्कर को तीर्थराज क्यों कहा जाता है, तो इन्हीं को कुछ अपन जानते हैं। पुष्कर में 52 घाट होते हैं। पुष्कर सरोवर चारों तरफ से कुल 52 घाट से घिरा हुआ है। इनमें से मुख्य गौ घाट, ब्रह्मा घाट, वराह घाट, बद्री घाट, सप्तऋषि घाट, तरणी घाट सहित अन्य घाट शामिल हैं। उनमें से ये विशेष घाट है जिस पे मैं आपको आज लेकर आई हूँ। यहाँ पे जैसे ही डुबकी लगाते हैं, लगता है मोक्ष की प्राप्ति हो गई। ये सब इतने पूजनीय घाट हैं, यहाँ पे दुनिया आती है, लोग आते हैं मोक्ष पाने के लिए। पुष्कर को तीर्थराज क्यों कहा जाता है? सबसे पहले पुष्कर के बारे में हम जानते हैं। पुष्कर के प्राचीन लेखों से भी इस पवित्र नगरी के महत्व की जानकारियाँ मिलती है। पुष्कर तीर्थों का मुख माना जाता है। जिस प्रकार प्रयाग को तीर्थराज कहा जाता है, उसी प्रकार तीर्थ को पुष्कर राज कहा जाता है। यहाँ विशेष सबसे बड़ा मंदिर दुनिया का, सबसे ब्रह्मा जी का प्रसिद्ध मंदिर पुष्कर में है। ऊंट की सवारी, नृत्य, काफ़ी चीज़ों की रासलीलाएं होती हैं। यहाँ पे आने वाले का टूरिस्ट सबसे ज़्यादा प्लेस माना जाता है। मनमोहक वाला प्लेस है। यहाँ पे 52 घाट की वजह से सभी लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं अपने मोक्ष की प्राप्ति करने। अपने आप को शुद्ध स्थान इसको समझते हैं और वहाँ से ये लोग यहाँ पे स्नान करके एक डुबकी लगाते हैं। यहाँ का बाज़ार बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा बाज़ार लगता है। जब यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, यहाँ पे पैर रखने को जगह नहीं होता। ब्रह्मा मंदिर यहाँ का विशेष मंदिर है, जहाँ पे बाहर से दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं। इस ब्लॉग के माध्यम से मैं चाहती हूँ आपको पुष्कर के बारे में गहराइयों तक इसकी सच्चाई पता चले और आप दूर से यहाँ दर्शन करने आए। यह एकमात्र पवित्र स्थान है जहाँ पे दूर दूर से यात्री आते हैं और ब्रह्मा जी के दर्शन पाते हैं। यहाँ का बाज़ार राजस्थानी तरीके से जमा रहता है और यहाँ पे कुछ ओकेजनली पैर रखने को जगह नहीं होती। सबसे बड़ा प्लेस इसको टूरिस्ट प्लेस माना जाता है। यहाँ पे हर तरह सामान पाया जाता है। जैसा कि आपने ये बाज़ार देखा है, कितना प्यारा और मनमोहक बाज़ार लगता है। जब यहाँ पे भीड़ रहती है, पैर रखने को जगह नहीं होती। यहाँ पे हर एक छोटी से छोटी चीज़ और काफ़ी स्टॉल खाने के सामान, कपड़ों के सामान, बर्तन के सामान, प्रसाद आदि, चप्पल, चादरें, सभी तरह की दुकानें लगी रहती हैं। यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं और इन सभी चीज़ों से मनमोहक लेते हैं। तो मैं चाहती हूँ आप लोग भी इस पुष्कर की एक एक चीज़ को गहनते से देखें और पहचानें। यहाँ का रास्ता पहाड़ियों से घिरा हुआ है। चारों तरफ हरियाली और पहाड़ी पहाड़। आप देख सकते हैं यहाँ का रास्ता किस तरीके से घुमावदार, चारों तरफ से शांतिपूर्ण और पहाड़ी इलाके से ढका हुआ है। ये मनमोहक दृश्य आपको दिखाने लेके आई हूँ। आप देख, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड।